हेलो स्टूडेंट्स आ गई है आपकी अब 18 अगस्त की वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 19 चलिए जल्दी से ये वर्कशीट देख लेते हैं तो इस वर्कशीट को देखने से पहले जरूर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही हम वर्कशीट अपलोड करें आपको इमीडिएटली पता चल जाए तो ये जो वर्कशीट है आपकी ये एक पोएम पे बेस्ड है अब ये पोयम कौन सी है ये पोयम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑलरेडी हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में काफी बात कर चुके हैं तो उन्हीं की एक और पोएम है डस्ट ऑफ स्नो तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि जब स्नो यानी बर्फ आप पर गिरती है डस्ट की तरह मतलब हल्की सी डस्ट ऑफ होती है मतलब की हल्की सी बर्फ आप पर गिरती है तो बहुत ही छोटी सी पोयम है इजी पोएम है इस पिक्चर को देखते हुए आप इस पोएम को समझ सकते हैं तो जल्दी से पोएम देख लेते हैं

को थोड़ा सा गिराया हेमलॉक ट्री पे से तो ये जो पिक्चर में ये जो ट्री दिखाया गया है ये हेमलॉक ट्री है और इसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी तो जब इस पे एक कौआ यहाँ पर बैठा और उसने हल्की सी जैसे ही वो बैठा होगा और हल्का सा हिला होगा तो उस पेड़ पे जो बर्फ जमी हुई थी वो हल्की सी जो है वो पोएट के ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर हल्की सी गिरने लगी बरसने लगी और जब ऐसा हुआ तो जो पोएट का मूड था वो उसके दिल में जैसे हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड तो उसके दिल में जो मूड था वो मूड उनका चेंज हो गया दिल में जो उनके इमोशंस चल रहे थे वो चेंज हो गए अब वो किस इमोशन से किस में चेंज हो गए वो आप इन दो लाइन से पता लगा सकते हैं जैसे कि यहाँ लिखा है एंड सेव्ड सम पार्ट Of a day I had इसका मतलब है कि वो जो दिन जो मैं ऑलरेडी खराब कर चुका था अभी तक क्योंकि मेरा मेरा बहुत ही sad mood था तो मेरा दिन जो ऑलरेडी खराब जा चुका था लेकिन जब इस क्रो ने उस डस्ट और स्नो को मुझ पे गिराया जैसे ही वो स्नो डस्ट मेरे ऊपर गिरा तो मेरे दिल का जो मूड है वो मूड चेंज हो गया और जो मेरा बचा कुचा दिन था वो बच गया क्योंकि जो दिन जो ऑलरेडी दिन जा चुका था वो तो मैंने खराब कर लिया था क्योंकि मेरा सैड मूड था लेकिन जो दिन बचा था वो इस एक्सपीरियंस की वजह से वो अब अच्छा हो गया था मतलब कि मेरा दिन थोड़ा तो बच गया था तो यही इस पोएम का मतलब है और इसी पे बेस्ड आपके आगे क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा वर्कशीट में और भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है तो आपसे यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि देर आर मोमेंट्स इन लाइफ वेन वी फील अनहैप्पी बट नेचर चेयर्स अस अप तो ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं जब हमारा थोड़ा सा कहीं मन नहीं लग रहा होता है या गुस्सा आ रहा होता है या बहुत सैड फील कर रहे होते हैं बहुत ग्लूमी फील कर रहे होते हैं लेकिन वहीं हम अगर अपने आसपास देखते हैं नेचर की तरफ देखते हैं तो नेचर हमें खुशी देता है नेचर हमें अच्छा फील कराता है हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है पूरा दिन काम कर रहे होते हैं बिजी होते हैं सर में दर्द होने लगता है मूड खराब हो जाता है फिर हम सोचते हैं चलो जरा नीचे एक वॉक पे चले जाए तो जैसे ही बाहर निकलते हैं पेड़ों को देखते हैं ठंडी हवा महसूस करते हैं तो मूड अच्छा हो जाता है तो नेचर चीर्ण चीर्ण अस आप तो यहां पर आपको क्वेश्चन uh, का एक पार्ट ए दिया हुआ है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टिक वॉट मेक्स यू हैप्पी तो यहां पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको दस चीजें दस अः दिए हुए हैं आपको तो आपको वो उस पर टिक करना है जो जो आपको खुश करता है तो मैं जल्दी से इनका मतलब समझा देती हूँ जो जो मुझे खुश करता है मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगी लेकिन आपको जो खुश करता है इनमें से जो जो चीजें आप उस पर टिक लगाइएगा अगर आपको ये सभी चीजें खुशी देती हैं तो जरूर आप सभी पे टिक लगा सकते हैं तो जल्दी से ये पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट है लुकिंग एट द राइजिंग सन उगते सूरज की तरफ देखना हाँ मेरे को मुझे इससे जरूर खुशी मिलती है दूसरा है अ न्यू लीफ ऑन अ प्लांट पेड़ों पे जब एक नया पत्ता निकल कर आता है वो देखकर खुशी मिलती है जी हाँ मुझे तो मिलती है आपको मिलती है कि नहीं तो आप वो सोचिए और फिर उस पर चाहे या ना चाहे तो आप टिक लगा सकते हैं तीसरा है अ फ्लावर बड ऑन अ प्लांट पेड़ पर जब एक छोटी से फूल की कली खिलती है फिर द साउंड ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग सुबह सुबह जो चिड़िया की चहचहाहट होती है उससे क्या आपको खुशी मिलती है मुझे मिलती है लेकिन जरूरी नहीं आपको मिल, मिलती हो हो सकता है आपको बहुत कानों में शोर लगता हो तो आप देखिए कि आपको लगता है कि नहीं उस हिसाब से टिक कीजिए पांचवा है अ क्लाउडी स्काई जब बादल घिराते हैं तब हां मुझे अच्छा लगता है रेन ऑन अ हॉट डे जब बहुत ही गर्म गर्मी हो और फिर एकदम से बारिश हो जाए मुझे वो सच में खुशी देता है बर्ड्स इन अ वॉटर bath, तो जब आप पक्षियों को बर्ड्स को वॉटर बाथ लेते हुए देखते हैं पानी में नहाते हुए देखते हैं तो क्या आपको खुशी मिलती है मुझे मिलती है आप देखिए आपको मिलती है कि नहीं एट है अ डांसिंग peacock, नाचता हुआ मोर मैंने तो यहाँ टिक किया है नाइन्थ है a sky, मतलब कि तारों से भरा हुआ एक आसमान तो वो आपको अच्छा लगता है मुझे तो अच्छा लगता है टेंथ है अ लाफिंग फेस हंसता हुआ चेहरा तो मुझे तो ये सभी चीजें खुशी देती हैं आप देखिए आपको क्या खुशी देती है और उस पर टिक लगाइए सच थिंग्स us फील हैप्पी इंस्टेंटली एंड आर मूड improves, मेकिंग अस जॉयफुल तो ऐसी जो चीजें हैं हमें एकदम से खुशी देती है और हमारा मूड जो है अच्छा हो जाता है द पोएट similar एक्सपीरियंस वन डे तो अगेन अब यहाँ पर आपको पोएम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो so, जैसे ऐसी कोई भी चीज आप एक्सपीरियंस करते हैं आपको खुशी महसूस होती है ऐसे ही पोएट का भी एक सिमिलर एक्सपीरियंस था एक दिन

दिस इंस्टेंट हैपीनेस सेव द रेस्ट ऑफ हिस डे एंड इट पास विद चीयर तो ये जो इंस्टेंट हैपीनेस थी एकदम से जो उसे खुशी मिली तो उसका जो बचा हुआ दिन था वो उस अच्छे से गुजरा और जो उसे जो बाकी दिन उसका था वो उसमें उसे बहुत खुशी महसूस हुई जबकि उसका जो पिछला दिन था जो बाकी दिन गुजरा था पहले उससे वो बहुत ही दुख से भरा था लेकिन अब इस इंसिडेंट की वजह से वो बहुत खुश था तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन uh, हैं और जल्दी से ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं पार्ट बी में तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट बहुत ही इजी आंसर है ये अब तक तो आपको ये पोएट का नाम याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है तो नेम द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये लिखेंगे आप यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉट हैपन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रो ऑन द ट्री जब पेड़ पर वो कौआ था तो उससे क्या हुआ पहला देर वॉज अ बर्ड साउंड एक पक्षी की आवाज आई द ट्री लुक्ड ब्यूटिफुलंदर लगने लगा ऑन द पोएट वहां पर कौए के होने से थोड़ी सी जो बर्फ थी वो पोएट के ऊपर गिर गई तो जी हाँ सी पार्ट है आपका सही आंसर कैन यू गेस्ट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट जस्ट बिफोर द एक्टिविटी ऑफ द क्रो टिक करेक्ट ऑप्शन तो जैसे ही जैसे ही क्रो की ये जो एक्टिविटी बताई गई है उससे पहले, उससे पहले पहले आप क्या लगा सकते हैं कि पोएट का मूड कैसा था ऑप्शन ए है द पोएट वॉज अनॉयड एंड एंग्री पोएट बहुत ही गुस्से में था ऑप्शन बी है ही वॉज हैप्पी वो बहुत ही खुश था ऑप्शन सी है ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर वो बहुत ही सैड था तो हमें पता है ये ऑप्शन सी सही है क्यों क्योंकि ही वॉज फीलिंग लो वो बहुत ही लो बहुत ही सैड फील कर रहा था तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन है फोर्थ है आपका हाउ डिड द पोएट फील जस्ट आफ्टर द क्रो शुक डाउन सम स्नो फ्लेक्स जैसे ही क्रो ने कौए ने उसके ऊपर स्नो फ्लेक्स गिराई बर्फ गिराई तो पोएट को कैसे लगा ऑप्शन ए ही फेल्ट इवन मोर सैड वो और ज्यादा दुखी हो गया ऑप्शन बी हिज मूड चेंज उसका मूड जो है थोड़ा चेंज हो गया ऑप्शन सी ही स्टार्टेड लाफिंग वो जोर जोर से हंसने लगा तो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी सही ऑप्शन है जैसा कि पोएम में लिखा है कि उसका मूड चेंज हो गया चूज द लाइन फ्रॉम द पोएम विच शोज दैट द पोएट हैड बीन सैड ड्यूरिंग द डे तो आपको पोएम में से वो लाइन चूज करनी है जो ये दिखाती है कि जो पोएट है वो दिन के समय में बहुत सैड था तो जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पहले बताया ये वाली जो लाइन है बिल्कुल ही लास्ट लाइन इससे आपको पता चलता है कि पोएट जो है वो सैड था क्योंकि इससे पहले कहीं उसने नहीं लिखा है उसने यहां जरूर लिखा है अ चेंज ऑफ मूड लेकिन ये जो चेंज ऑफ मूड है इसमें नहीं पता चलता है कि क्या मूड था एक्चुअली ये जो लाइन है ऑफ अ डे आई हैड रूड मतलब वो दिन जो मैंने खराब कर दिया था अपनी सैडनेस से इस लाइन से पता चलता है कि पोएट का मूड जो है वो सैड था तो ये लाइन आप यहाँ लिख देंगे आपका आंसर बन जाएगा दैट Uh, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन सिक्स पर क्वेश्चन सिक्स है व्हाट इज द करेक्ट राइम स्कीम यूज्ड बाय द पोएट टिक द करेक्ट ऑप्शन तो राइम स्कीम होती है जो आपकी एंडिंग साउंड है वो सिमिलर होने चाहिए अब और हर एक साउंड को आप एक लेटर दे देते हैं तो जल्दी से राइम स्कीम देख लेते हैं तो जो लास्ट जो वर्ड होता है एक लाइन में उसका जो साउंड होता है हर एक साउंड को एक लेटर दे दिया जाता है तो मैं जल्दी से यहां पर लिख देती हूं कि कैसे इसको डिनोट करते हैं तो जैसे कि पहला है क्रो तो ये जो साउंड आया है ओ तो इसको मैं जैसे लेबल कर देती हूं ए साउंड ए ठीक है तो ये बन गया ए अब उसके बाद मी ओ और मी ई e जो है ओ और ई e ये जो साउंड है ये अलग अलग है तो इसलिए इसको चलो हम नाम दे देते हैं बी बी साउंड दे देते हैं फिर अगला आया स्नो इसका भी क्रो का ओ और स्नो का ओ सिमिलर है इसीलिए सेम है इसीलिए ये भी ए हो जाएगा ठीक है यहां पर भी ए हो जाएगा उसके बाद ट्री ट्री का ई और मी का ई ये दोनों सेम है तो यहां पर भी बी आ जाएगा क्योंकि ये सेम साउंड है उसके बाद हार्ट का जो साउंड है एंड साउंड है आर्ट ये एक साउंड है अगेन क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम्स है तो हम इसको नया वो नाम देंगे तो ए फिर उसके बाद मूड का ऊड ये एक साउंड आ गई फिर पार्ट और हार्ट सेम है तो अगेन ए और फिर मूड और रूड ये सेम है तो इसलिए बी तो आप देख सकते हैं कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी तो जल्दी से हम ये जो है ए बी ए बी जो ऑप्शन है वो टिक कर देते हैं बाकी ऑप्शन को भी फटाफट देख लेते हैं तो यहां पर करेक्ट राइमिंग स्कीम है ऑप्शन ए ए बी ए बी इस पोएम की राइमिंग स्कीम है अब आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन सेवन पर क्वेश्चन सेवन आपका कहता है नेचर कैन गिव अस अ लॉट ऑफ हैपीनेस वेलिंग लो जब हम बहुत सैड फील कर रहे होते हैं लो फील कर रहे होते हैं तो नेचर हमें राइट अबाउटींस ऑफ योर लाइफ ब्रीफली तो अगर आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो उसके बारे में शॉर्ट में आपको यहाँ पर लिखना है एक्सप्लेन वट यू वट मेड यू फील सैड एंड हाउ नेचर गेव यू हैप्पीनेस तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि कैसे आपको किस चीज ने आपको सैड बनाया और फिर नेचर ने आपको कैसे खुशी दी तो आप ये सेंटेंस ये जो आप अपना छोटा सा पैराग्राफ है ये कैसे शुरू कर सकते हैं यहाँ पर वो भी बताया है आप ये इस लाइन से शुरू कर सकते हैं आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड दैट डे बिकॉज तो इस लाइन से आप शुरुआत कर सकते हैं हमने यहाँ पर आपके लिए एक सैंपल आंसर लिखा है वो जल्दी से देख लेते हैं तो हमने आपका यहाँ पर सैम्पल आंसर लिखा है इसमें हमने लिखा है कि आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड दैट डे बिकॉज जो ये लाइन दी है वहीं से शुरुआत की है बिकॉज आई हैड हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई over ओवर माई रेगुलरिटी इन स्टडीज ये जो हैड है ये मत समझिएगा ये गलती से लिखा गया है आप यहाँ पर हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई पेरेंट्स की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे कुछ किसी और चीज की वजह से आपका अगर मूड खराब हो किसी दोस्त से लड़ाई हो गई हो या आपकी कोई फेवरेट चीज आपको नहीं मिली हो या कुछ और कोई भी रीजन रहा हो जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो आपका कोई फेवरेट टॉय टूट गया हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज आई उट ऑफ दाउस एंग्रिल एंड सैडली सैट इन दीयर बाई पार्क तो मेरी जो है पढ़ाई के ऊपर अपने पेरेंट से थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी लड़ाई हो गई थी इसकी वजह से गुस्से में मैं अपने घर से बाहर निकला और उसके बाद पास के पार्क में जाकर सैडली वहाँ पर बैठ गया अब जैसे ही मैं वहां पर आ, पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठा सो आई फेल्ट अ सॉफ्ट ब्रीज टच माई फेस एक बहुत ही हल्की सी हवा ने मुझे छुआ और जो ऊपर फूल जो थे और जो पत्ते थे वो मेरे ऊपर गिरने लगे और धीरे धीरे आई फेल्ट माई एंगर कूल डाउन माई सैडनेस फ्लाई अवे और धीरे धीरे जो मेरा गुस्सा था वो शांत हो गया मेरी जो सैडनेस थी वो उड़ गई और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने नोटिस किया कि मैं गहरी सांस लेने लगा द सॉफ्ट केयरस ऑफ नेचर अराउंड मी काम्ड माई इरिटेटेड नर्स तो जो मेरे आस पास नेचर जो था तो उसने जब मुझे हल्के से छुआ तो मेरी जो इरिटेशन थी मेरा जो गुस्सा था वो सब शांत हो गया और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे ही भले के लिए मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो उस दिन जो है नेचर ने मेरे एक दोस्त की तरह मेरी हेल्प की द नेचर एक्टेड लाइक अ फ्रेंड जिसने मुझे शांत होने में और मेरे पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में मेरी मदद की उनका विचार समझने में मेरी मदद की और जब मैंने नेचर में एक ऐसे दोस्त को पाया तो मैं बहुत ही खुश हो गया तो ये आपका सैम्पल आंसर है आप चाहें तो इससे इंस्पायर uh, होकर इससे आइडिया लेकर आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए अब चलते हैं आपकी इकोनॉमिक्स की वर्कशीट पर वेलकम स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 19 जो कि है 18th ऑफ अगस्त की वर्कशीट ट के अंदर जो हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्षेत्र के अंदर हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे पहले हम इसको हिंदी में आपको दिखा देते हैं कि वर्कशीट में क्या है पहले हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर दे रखा है फिर इसके कुछ क्वेश्चन साइन में देखेंगे तो आइए चलते हैं पहले इसको एक वर्कशीट में हम देख लेते हैं इंग्लिश की तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम पहले पढ़ चुके हैं तीन सेक्टर्स हो गए प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर हो गया आपका एग्रीकल्चर जो खेती सो so, खेती फिशिंग डायरी और डेरी तो उसके अंदर आप क्या करते हैं आप डायरेक्टली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं बेसिकली एग्रीकल्चर में आपने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करा जब आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं आप उसको आगे बढ़ाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में सेकेंडरी सेक्टर हो गया जिसके अंदर उस रॉ मटेरियल को चेंज कर दिया जाता है एक मैन्युफैक्चर करके एक नए दूसरे प्रोडक्ट में फॉर एग्जाम्पल आपने एक गेहूं उगाया और उसको आटे में कन्वर्ट कर दिया गया वो करता है कौन सेकेंडरी सेक्टर लास्ट हमारा जो सेक्टर है वो है टर्सरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर भी सर्विस सेक्टर वो सेक्टर होता है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर एग्जांपल हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन uh, हो गया जैसे रेलवे हो गया आपका प्लेन का हो गया एयरपोर्ट और ये सारे सारे क्या है सर्विस देते हैं आपको आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देते आप ऐसा नहीं जा सकते वहां पर जाके आपने प्लेन खरीद लिया खरीद सकते हैं अगर आपकी कंपनी हो लेकिन आप नॉर्मली क्या करते हैं आप प्लेन को यूज़ करते हैं आप ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं बैंकिंग सर्विस हो गई आप वहां पर जाके उनकी सर्विस यूज करते हैं वो आपको पैसा देने पे आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं देते इसीलिए इसे कहते हैं सर्विस सेक्टर ये तीनों के तीनों सेक्टर मिलाकर जो भी काम करते हैं उससे जो इनकम होती है उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक देश की जीडीपी डी पी सो so, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड़, प्रोडक्ट का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो अंत में देखो तो जो प्राइमरी में होता है वो प्राइमरी में आप कोई डायरेक्टली नहीं खाते उसको आप आगे बढ़ाते हैं सेकेंडरी में सेकेंडरी में जो बनता है उसको आप कंज्यूम करते हैं इसीलिए यहाँ पे बोला गया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इसको ध्यान रखें अब अगर आप प्राइमरी को भी अगर आप काउंट करेंगे उस केस में यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग फॉर एग्जाम्पल आपने जो रेट है मतलब कंट्री की जो इनकम है उसकी बात कर रहे हैं उसमें दिक्कत होती है तो अगर आपने यहाँ पर हमने काउंट करा कि बंदे ने एक हजार रुपये कमाए किससे प्रोड्यूस करा गेहूं से फिर आपने उसी को ही आपने आगे जाके आटा बेचा जिसमें आपने दो हजार रुपये कमा लिए तो अब आपने क्या कर दिया टोटल कर दिया तीन हजार रुपये बट ऐसा नहीं है आपने सेम ही आटे को सेम ही गेहूं को आपने आटे में यूज करा था इसीलिए पहले वाला जो प्राइमरी में था उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे उसको हमें हटाना पड़ेगा तो एक्चुअली में एक कंट्री की इनकम सिर्फ टू थाउजेंड रुपीज हुई है ये जो दिक्कत है वो रहती है इसके बारे में और डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे अभी के लिए समझ लीजिए कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है जब एक ही प्रोडक्ट की कॉस्ट या इनकम आप कह सकते हैं वो दो बार काउंट कर ली जाए अब यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है जो पिछले uh, 1971-72 और 2011-12 का कि उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए हैं आप यहाँ पे ध्यान दें प्राइमरी सेक्टर में अराउंड uh, 40% परसेंट शेयर था जो कि आज की डेट में आपका 15% परसेंट रह गया है उसी तरीके तो से सेकेंडरी सेक्टर में पहले 25 परसेंट था अभी भी 25 परसेंट है टर्सरी में 35 से 60 तो मेजर चेंज आया है प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर में मतलब शेयर का मेरा मतलब है यहाँ पर कि जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है सपोज करो सौ रुपये हमारी जीडीपी है तो उसमें से चालीस रुपये पहले प्राइमरी देता था और पच्चीस रुपये सेकेंडरी और पैंतीस रुपये देता था हमारा टर्शरी बट आज की डेट में मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी सेक्टर से आता है तो ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी एक तरीके से ऑब्वियसली सारे सेक्टर्स को ग्रो करना चाहिए बट प्राइमरी इतना कम कर रहा है ये भी एक बुरी बात है प्राइमरी को भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट बराबर तरीके से करना चाहिए कैसे करेगा हम जैसे लोग अगर खेती में और जा जाएंगे तो उसमें ही हो पाएगा बट अगर आप यहाँ से डाटा देखें सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं अगेन हम मान लेते हैं सपोज सौ लोग काम कर रहे हैं पूरे देश में उसमें से पहले सेवेंटी फोर लोग प्राइमरी सेक्टर में मतलब एग्रीकल्चर में काम थे काम कर रहे थे ग्यारह परसेंट मतलब ग्यारह लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे थे और टर्सरी में पंद्रह परसेंट आज के डेट में अभी भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ऊपर है पचास परसेंट लोग मतलब सौ में से ऑलमोस्ट पचास लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और बहुत ही कम लोग बड़े हैं टर्सरी सेक्टर में आप देखेंगे ट्वेंटी सेवन परसेंट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का बहुत ज्यादा हो चुका है अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का प्राइमरी सेक्टर का सिर्फ पंद्रह है लेकिन लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं वहां पर तो इस केस में क्या होता है प्रॉब्लम हो जाती है डिसगैज अनएम्प्लॉयमेंट की डिस्गज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया छिपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बेसिकली अब ऐसी बेरोजगारी बड़ी खतरनाक है देखो तो आप बेरोजगार हो आपको पता चल जाए वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप बेरोजगार हो आपको पता चल जाएगा तो आप नई जॉब ढूंढने लगोगे लेकिन आप कई जगह पे काम कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि आप बेरोजगार हो तो उसमें तो बहुत ही बड़ा खतरा है ऐसा खतरा ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होता है यहाँ पर एक फील्ड में सपोज करो दस लोगों की जरूरत थी और वहां पर पंद्रह लोग काम कर रहे हैं तो देखो फील्ड है ना एग्रीकल्चर लैंड है तो लैंड में क्या होता है कि उपता उपजाऊ उतनी ही रहेगी चाहे दस लोग वहां पर काम करें चाहे पंद्रह लोग करें चाहे बीस लोग करें गेहूं तो उतना ही उगेगा उसके अंदर तो उस केस में क्या होता है जो पाके के पांच लोग थे उनको पता भी नहीं चलता कि वो कुछ काम कर ही नहीं रहे थे तो उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं डिस्ग अनएम्प्लॉयमेंट तो आगे चलते हैं इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं फिर इन्हीं के क्वेश्चन के आंसर को हम हिंदी में भी देखेंगे पहला क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट थ्री सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनॉमी तो यहाँ पे बहुत ही डायरेक्ट आंसर दे रखा है तीन सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के ये रहे आपको ये आंसर यहाँ से लिखना है आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ व्हाट इज जीडीपी एक्सप्लेन

सेक्टर आई चलते हैं हिंदी के आंसर्स की तरफ और ये थर्ड आंसर मैं हिंदी के आंसर्स के एंड में उसके साथ भी दिखा दूंगा तो जैसे कि हमने पहले भी बात करी है आंसर यहीं पर ही है भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र को की तुलना कीजिए तो ये आपके यहाँ पे पहले है ये आंसर यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे बॉक्स में तीनों के तीनों को आपको लिखना है आइए चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ सेकंड क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं ये क्वेश्चन जी डी है यहाँ पर आपके लिखा हुआ है पूरा पूरा आंसर यहां से आपको लिखना है हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है जीडीपी क्या है सकल घरेलू उत्पाद से आगे बढ़ के थर्ड क्वेश्चन की जगह पे फोर्थ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं आपको हमने बता दिया दो हजार में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट uh, करा है तृतीय क्षेत्र ने तृतीय क्षेत्र हो गया आपका टर्शरी सेक्टर तो आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के आंसर की तरफ छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया ये आपका आंसर यहाँ पे हमने शो कर दिया है जिससे आप इसको आराम से पढ़ के समझ के आप लिख सके अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ